तो मैं इधर कर रहा हूँ। बहुत है। हाँ जी, तो अब मैं जरा पीसी निकाल रहा हूँ। तो पीसी क्या होगा? पीसी स्क्वायर, यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू, तो पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने? 3.5 का स्क्वायर, यानी कि 3.5 का स्क्वायर यानी कि 35/10 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 2 - x का स्क्वायर। तो 2 - x कितना था? 8/11। तो पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 7 और 5 2, तो 49/4 प्लस, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 11 2 22, 22 - 8 इज 14, तो 14/11 का स्क्वायर। तो पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 11 का स्क्वायर 121, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 2 8, 4 1 4 484, तो 49 × 121, 49 × 121, तो मैं कर रहा हूँ। फाइव नाइन टू नाइन, 4 × 196, 784। ये आ गया 6713। 784 प्लस 5929 अपॉन 484, ये आ गया पीसी, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये करके देख लीजिए, 6713 डिवाइडेड बाई 6713 का स्क्वायर रूट लेना है बस, 6713। स्क्वायर रूट ऑफ 6713, 81.93 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 81.93। और 484 का आपको बताइए, 484 कैसे आया? 4 × 121 करके, तो 121 का स्क्वायर रूट 11, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 × 11, तो ये तो 22 का हो गया, ठीक है। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ओसी, ओसी इज इक्वल टू ओपी प्लस पीसी, ओपी प्लस पीसी। अब ओपी क्या है? 23.4 अपॉन 11 प्लस 81.93 अपॉन 22, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 22, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 22। अभी होने वाला है बस, कोई बात नहीं। तो 11 2 22, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 46.8 प्लस 81.93, ठीक है ना। तो करके देख लीजिए भाई, ऐड, हाँ जी, 46.8 प्लस 81.93 इज इक्वल टू दिस 128.73 डिवाइडेड बाई 22। हाँ जी, आंसर आ रहा है 5.85, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट।
हाँ अभी रुक जाओ। हाँ कौन सा है, कौन सा है? ना ये अभिराज क्लियर है ये वाला? अभिराज समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और जो इन्होंने कर रखा है ये गलत है, हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपसे ये पूछ रहे हैं, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो एक एरिया दे रखा है 35y² एक एरिया दे रखा है 35y² प्लस 13y-12 प्लस 13y-12 ये एरिया दे रखा है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले जो ये वाई स्क्वायर वाला कोफिशियंट जो होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो 35 × 12 तो 12 5 = 66 कैरी आ गया, 12 3 = 36 और 6 = 42 42 हो गया। ठीक है अच्छा, तो 420 आ गया कुल मिलाकर। अब वो भी माइनस का 420 क्योंकि 12 जो है वो माइनस का है। ठीक, तो अब जरा देखिए माइनस का 420, अब 13 को स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से, ये माइनस 420 आ जाए उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 2 210 और फिर 2 105, फिर ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से होगा। तो 3 3 9 9, 10 - 9 = 1 15 3 5 = 15, अब ये 5 से होगा, 5 7 = 35 और अब ये 7 से होगा, 7 1 = 7 ये हो गया। तो क्या करा जा सकता है, देखिए अगर ऐसे करने 7 5 = 35 और 2 2 = 4 × 3 = 12 तो 35 - 12 अगर मैं करूँगा कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, तो नहीं बनेगी बात। ठीक है अच्छा, तो कुछ और देखते हैं, ये 7 है, ये 7 है और इधर 2 2 = 4 है, तो 4 × 7 = 28, 28 - 15 करेंगे तो आ गया 13, 28 - 15 करेंगे तो 13 आ गया। कोई बात नहीं, तो अब ये क्या हो गया, 35y² प्लस 28y - 15y, तो 28 - 15 करेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा, 28 × -15 करेंगे तो माइनस का 420 आ जाएगा। पहला और दूसरा जो टर्म है इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बताइए, y के अलावा 7 7y, तो ये क्या हो गया, 7 5 = 35 तो 5y, 7 4 = 28 तो 5y + 4, इन दोनों में क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो एक तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो ताकि अंदर दोनों पॉजिटिव के आ जाए, उसके अलावा 5y चाहिए तो 5y चाहिए तो 3 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 5y + 4, तो ये हमारे पास हो गया 5y + 4 मल्टीप्लाइड बाई 7y - 3। ठीक है,
वो पूछ रहे थे कि इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो सकती है, तो लेंथ को बोल दीजिए 5y+4 और ब्रेथ को बोल दीजिए 7y-3। लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से हो गया 3x² - 12x। हाँ हाँ 16th का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट तो छोटा सा है, ये सेकंड वाला बड़ा। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब एल इंटू बी इंटू एच में स्प्लिट करना है, देखिए कैसे। अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो किसी क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 3x² - 12x। (3x²-12x) ये दे रखा है। V is equal to 3x² - 12x। तो 3x² - 12x ये है। अब आपको इसमें क्या करना है कि इधर कुछ भी कॉमन ले लेना है, तो आप ये देखो 3 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 है ना, और साथ में x भी आ रहा है, तो 3x ब्रैकेट में क्या बचा, x-4। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, हो गई डायमेंशन एल इंटू बी इंटू एच। बस व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो आपने कहा कि ये तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो तीन टर्म्स मिल गए। ऐसे ही अगले में करना है, अगला करवाऊं क्या, हो गया। तुम्हारे तो एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है ना श्रेष्ठ, अच्छा चल रहे हैं, अच्छा तो 11th 12th का अलग चलता होगा शायद पैटर्न, 11th 12th के उनके बाद में अक्टूबर में। हाँ जी, तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, ये एक्चुअली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम दे रखा है 12ky² + 8ky, (+8ky - 20k). तो इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 4 और एक k, तो ये क्या बचा अंदर, 3y² + 2y - 3, ठीक है, नहीं -5। तो 3 × -5 = -15, मतलब अभी अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसके फैक्टराइजेशन हो सकता है, ये हो गया -15। तो 4k 3 × -5 = -15, तो 3y² 2 का फैक्टर बड़ा आसान है, 5y - 3y प्लस का 2y हो जाएगा, और 5 × -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। कहाँ दिमाग है, -5 ये हो गया, अब ये हो गया 4k और पहला और दूसरा टर्म इसमें से y आ रहा है कॉमन, 3y + 5, इधर -1 ले लिया कॉमन, तो 3y + 5
अब आप क्या करिए, जो 4k है इसको तो बोल दो लेंथ, 3y प्लस 5 को बोल दो ब्रेथ, और y माइनस 1 को बोल दो हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरह से हो गई। और किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। अरे तुम यहाँ क्या मल्टीटास्किंग फोटो वोटो खोल कर बैठे हो क्या भाई? और बता दीजिए भाई, रुद्रांश पेपर ठीक हो गया? विमुदा और बताइए, तुम्हारा कोई डाउट हो, तुम्हारा कोई डाउट बताओ भाई। आशीष पेपर कैसा हुआ, सही हो गया? कोई डाउट है तो बताइए। तुम्हारा कल है, कब है अभिराज? कोई डाउट हो अभिराज, रुद्रांश, दिव्यांश, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है ठीक है, पेपर में सारे क्वेश्चन हो गए, बताओ भाई। अरे वो वीक पॉइंट है उसका जहां मारा है अपना। पेपर में सारे क्वेश्चन हो गए, वही एक पूछ रहा हूँ, वो बताओ कौन सा है। अच्छा तुम बताओ, है अभी पेपर लायो? हाँ भाई, पेपर तुम्हारा कैसा हुआ था? अच्छा तुम्हारा कल साइंस का था ना, मैथ्स का था। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, मैं बैठ पूछ रहा हूँ। डाउट नहीं, हाँ बहुत है, हो जाएगा। बोलो भाई, कुछ नया टॉपिक कराऊं फिर या छुट्टी करूं आपकी? हाँ चलो तो फिर आज इतना ही कर लो, जब कोई डाउट आउट ही नहीं है तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से करवाता हूँ फिर, अगर एग्जाम सभी के अब तो खत्म कब हो रहे हैं भाई, खत्म कब हो रहे हैं? हाँ आज पहले था। ठीक है ठीक है, मैं फिर टर्म टू का जो सिलेबस है वो भी ढंग से फिर करवाता हूँ स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बीच में अगर डाउट्स होंगे, मतलब जैसे हम पूरा एक घंटा ना पढ़कर थोड़ा डाउट्स ले लेंगे, थोड़ा आगे का कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे क्योंकि अब गुड। ठीक है अभिराज, दिव्यांश, रुद्रांश, इतना ही कर रहे हैं फिर आज, छोड़ रहे हैं। ठीक है ओके ओके ओके।